डेंटल क्लीनिंग कराने के बाद दांतों में झंझनाहट और दांतों का हिलना और उसके अलावा दांतों में ठंडा गर्म लगना। बहुत बार ये सवाल आता है कि हमने डेंटल क्लीनिंग कराई और उसके बाद हमारे दांत हिलने लग गए हैं, और दूसरा ये आता है कि हमारे दांतों में ठंडा गर्म लगने लग गया है। तो आज मैं इसी विषय पे आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। क्या डेंटल स्केलिंग करानी सही है या नहीं है? ऐसा होता है, हमने दांतों में जो डिपॉजिट है, जो टार्टर की लेयरें हैं, वो हटा दी हैं स्केलर के थ्रू। तो उसके बाद क्या होता है, जो स्केलर का वाइब्रेशन होता है उससे ही हमारे दांत साफ हो जाते हैं। जो टार्टर की लेयरें होती है, जो अनवांटेड डिपॉजिट हमारे दांतों में है, वो क्लीनिंग से साफ हो जाता है। अब इसमें बात यह आती है कि हमने क्लीनिंग कराई है, आपने भी बहुत बार सुना होगा अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में। बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि हमने डेंटल क्लिनिक में अपनी क्लीनिंग कराई तो हमारे दांत हिलने लग गए हैं। पहला पॉइंट ये आता है, हिलने लग गए। तो दांत हिलने क्यों लग गए हैं? देखिए, दांत को जड़ से लेके, दांत की जो जड़ होती है, जड़ से लेके ऊपर तक टार्टर से घिरा रहता है, ठीक है? तो बहुत कड़क टार्टर होता है, उसको हम स्केलर से निकालते हैं तो गंदगी हटेगी, तो मोबिलिटी तो रहेगी, ठीक है? दांतों में जो हिलना है वो तो रहेगा ही। लेकिन ये क्या ठीक है या नहीं है? ये बिल्कुल ठीक है। अगर आपके दांत हिल रहे हैं तो आपने एक एंटी सेप्टिक माउथ वॉश लेना है। अगर नहीं भी लेते हैं तो आप नमक पानी के कुल्ले करते रहिए। कुछ दिनों में जो मसूड़े हैं वो हील कर लेंगे, उसके बाद जो मसूड़ा है वो आपके दांत को पकड़ लेगा, तो आपके दांत फिर से ठीक हो जाएंगे, जो उनका हिलना है वो बंद हो जाएंगे। इसमें समय लग सकता है। दूसरा है ठंडा गर्म लगना। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग करने के बाद दांतों में ठंडा गर्म लगने लग जाता है। तो क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे क्या कारण है? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। अभी ठंड के दिन चल रहे हैं, ठीक है? अभी अगर मैं ये शर्ट नहीं पहनूं और एक हाफ शर्ट पहन लूं तो मेरे को ठंडा लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? तो दांत में भी वही है। अगर हमने जो जो अनवांटेड डिपॉजिट हमने साफ किया है, सफाई करके सब प्लाक निकाला है, आपके दांत की जो गंदगी की लेयर है वो निकाली है, तो उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों ठंडा गर्म लगता है, लेकिन 7 से 10 दिन में वो ठीक हो जाता है। उसके बाद आपके दांत अच्छे तरीके से नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है? ये पॉइंट मैंने आपको छोटे से एग्जांपल से क्लियर कर दिया। तो दोस्तों, यही इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और इसीलिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, आप मेरे को नीचे कमेंट करना, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।